नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। मैं काशिफ अली। जिस तरीके से मेघालय में दो सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी सरकार बना रही है और 21 सीटें जीतने वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर है, ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी बुरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, मेघालय में शपथ ग्रहण पहले से ही बगावत शुरू हो गई है। HSPDP ने कहा है कि बीजेपी को सरकार से बाहर रखें। HSPDP अध्यक्ष आरदेत बसाई वमोइल ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या है और बीजेपी को गठबंधन से बाहर रखा जाना चाहिए। अब मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, इससे पहले हमारी देखिए खास रिपोर्ट। मेघालय में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे थे। नेशनल पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के घटक दल हिल्स स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी HSPDP का कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या है और बीजेपी को गठबंधन से बाहर रखा जाना चाहिए। HSPDP अध्यक्ष आरदेत बसाई मबोत ने बताया कि पार्टी को बैठक में फैसला किया गया कि उसके दो विधायक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। HSPDP को चुनाव में दो सीटों पर जीत मिली है, जबकि उसके अध्यक्ष निर्दलीय उम्मीदवार से सिर्फ 76 सीटों से हार गए थे। बसाई व मोहित ने कहा कि चुनाव के पहले से हमारा रुख रहा है, हम गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा ने आज मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। संगमा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 34 विधायकों के समर्थन से राज्यपाल गंगा प्रसाद के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इस गठबंधन में NPP के 19, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 6, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 4, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी के 2-2 विधायक और निर्दलीय विधायक शामिल है। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले लोगों को लगता था कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सिर्फ कांग्रेस ही राज कर सकती है, लेकिन बीजेपी ने बदलाव कर इतिहास रचा है। तो देखा आपने कि कैसे मेघालय में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और वहां अब सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। बहरहाल मैं आपको पूरी अब खबर विस्तार से बता रहा हूं। मेघालय में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के घटक दल हिल्स स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी HSPDP का कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या है और बीजेपी को गठबंधन से बाहर रखा जाना चाहिए। HSPDP अध्यक्ष आरदेत बसाई वमोइत ने कहा है कि पार्टी की बैठक में फैसला लिया गया कि वो इसके दो विधायक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। HSPDP यानी हिल्स स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव में दो सीटों पर जीत मिली है और जबकि उसके अध्यक्ष निर्दलीय उम्मीदवार से सिर्फ 76 वोटों से हार गए थे। बसाई वमोत ने आगे कहा है कि चुनाव के पहले से ही हमारा रुख साफ है कि हम गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। हम ये संभावना देखते हैं कि NPP नेतृत्व वाला गठबंधन आसानी से 32 विधायक के साथ सरकार बना सकता है। ऐसे में बीजेपी को इस गठबंधन में शामिल करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संगमा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 34 विधायकों के समर्थन में राज्यपाल गंगा प्रसाद के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इस गठबंधन में NPP के 19 और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी UDP के 6 और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के 4, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी के 2-2 विधायक और निर्दलीय विधायक शामिल हैं। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कि NPP प्रमुख कॉनराड संगमा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी में है। राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने का न्योता दिया था और साथ ही साथ ये अब इस वक्त शुरू हो चुका है शपथ ग्रहण समारोह और गंगा प्रसाद जो राज्यपाल हैं उन्होंने दावा पेश किया गया था और सोमवार को मेघालय गवर्नर ने कॉनराड संगमा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था।
उन्होंने आयोजित संगमा ने क्या कहा है वो भी आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास संख्या बल होने की वजह से राज्यपाल ने राज्य में सरकार बनाने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। इसकी पुष्टि करते हुए राजभवन ने कहा है कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस संगमा को आमंत्रित किया है क्योंकि उनके पास 34 विधायकों का समर्थन है। अगर हम बात करें तो इस पूरे समारोह में बीजेपी के दो विधायक होने के बाद भी बीजेपी इस वक्त वही तस्वीर निकल कर आ रही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी 34 जो पार्टी जीती है विधायक उसमें सिर्फ दो बीजेपी जीती है और उसके बावजूद भी बीजेपी वहां ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार है। बहरहाल अगर हम बात करें सूत्रों की माने तो अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। संगमा ने राज्यपाल गंगा प्रसाद से मुलाकात की थी और 60 सदस्य में से 34 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। बहरहाल जो मेघालय से जो तस्वीर निकल कर आई है सामने के जो हिल्स पीपल्स पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी को बाहर रखा जाए और उसको गठबंधन से बाहर रखा जाए, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मेघालय में जिस तरीके से राहुल गांधी की अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने पैसे के बल पर यहाँ पर धन बल के बल पर और मसल पावर के दम पर जो है वहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। यानी राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि गोवा जैसी राजनीति खेल रही है बीजेपी और साथ ही साथ उन्होंने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। बहरहाल अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की रुख अपना रही है, लगातार जो है राज्यों में जीत रही है, लगातार जो है सरकारें बनाते जा रही है, उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विपक्ष इतना कमज़ोर क्यों है कि जिस तरीके से अब बगावत शुरू हो रही है और मेघालय के दो जो हिल्स पार्टी है वो चाहती है कि बीजेपी को बाहर रखा जाए, गठबंधन से उसको ना लिया जाए। बहरहाल अब देखना ये है कि गठबंधन कितना कारगर साबित होता है और कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो त्रिपुरा की जीत के बाद और मेघालय में सरकार बनाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ एक तस्वीर ये भी निकल कर आ रही है कि अब बीजेपी जो है लगातार उत्साहित है और उसकी नज़र अब आने वाले जो और राज्यों में चुनाव हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, उसको लेकर भी बीजेपी काफ़ी खुश नज़र आ रही है और उसका साफ तौर पर कहना है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कि वो इन राज्यों में जीत जाएंगे और असली जीत तो तब होगी जब ही बीजेपी का स्वर्णिम काल आएगा, जब वो केरल, बंगाल और ओडिशा में भी जीत हासिल कर लेंगे। बहरहाल मेघालय के लिए, मेघालय से बीजेपी के लिए बेहतर खबर नहीं है, उसको जो गठबंधन से बाहर रखने की बात की जा रही है उसको लेकर अमित शाह की परेशानी बढ़ सकती है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPNI News। नमस्कार।